आइए बात करते हैं संजय जी से, जिन्होंने हाल ही में एक वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर अपनी पुस्तक का विमोचन किया है। जानते हैं इस पुस्तक के बारे में, उनसे क्या कहना है उनका। अभी मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट इन द रेसिपी कॉल लाइफ, अभी ये बुक वर्ल्ड बुक फेयर में, आवर पब्लिशर्स आर ब्लूम्सबरी, वो आर इंटरनेशनली रिनाउंड पब्लिशर है, सब जगह उनकी ऑफिस है, उनके माध्यम से मैंने अभी ये किताब पब्लिश की है। और इस किताब को पब्लिश करने की जो मेन प्रेरणा थी, आई ऑलवेज बिलीव दैट वट एवर गॉड हैज़ गिवन अस वी शुड शेयर विद अदर्स। एंड इस पुस्तक में एक्चुअली एक चैप्टर भी है, शेयर थिंग्स दैट डोंट कॉस्ट, दे आर मैनी थिंग्स दैट वी हैव विच आर इनफाइनाइट, और उनको शेयर करने से आपकी कमी नहीं होती। एंड वन ऑफ देम इज़ ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, विच आप कितना भी शेयर करो हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। एंड दैट इज़ द होल आइडिया, दिस बुक इज़ एग्रीगेशन ऑफ माई एक्सपीरियंसिस, माई थाट्स एज ओवर द ईयर्स राइट आफ्टर एडुकेशन। मेरा IIM अहमदाबाद के एडुकेशन के दिन के बाद के जो अनुभव है और आज तक के जो अनुभव है, आई हैव शेयर्ड इन दिस बुक थ्रू 18 चैप्टर्स, 18 कंसेप्ट्स। एंड जो नाम है पिंच ऑफ सॉल्ट, कई लोग सोचेंगे क्या मतलब है इसका। जैसे तुलसीदास ने भी कहा है कि कोई भी व्यंजन नमक के बिना पूरक नहीं होता है। राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज इम्पॉर्टेंट, द बेस्ट ऑफ डिश बेकार हो जाती है अगर आपका नमक का सही वो नहीं हो। वैसे ही वो तुलसीदास ने कहा जीवन भक्ति के बिना नहीं, और मेरा कह रहा है जीवन ज्ञान के बिना अधूरा है। सो माई होल एंडेवर इज कि मैं अपने अनुभव से, सबकी लाइफ सब परफेक्ट है, 99% 98% सबकी लाइफ ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। वी आर नॉट एबल टू गेट द राइट कॉम्बिनेशन और द राइट रेसिपी एज आई माई कॉल इट। आई होप दिस बुक विल गिव यू दैट पिंच ऑफ सॉल्ट, वो चुटकी भर नमक जो आपकी ज़िंदगी में कुछ अधूरा है महसूस है उसको पूरा कर सके। तो विद दिस होल एंडेवर आई हैव रिटन दिस बुक, एंड माय लास्ट चैप्टर इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स कॉल्ड राइटिंग योर ओन ऑबिट्यूरी। अब अपनी ऑबिट्यूरी कौन लिखता है? ऑबिट्यूरी तो दुनिया वाले लिखते हैं जब आप चले जाते हो, बट जिंदगी में हमें क्या करना है, हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। हम सोचते हैं हम ये चाहते हैं, लेकिन जिंदगी की चाहत दिल से और कुछ होती है। अगर हम ये सोचे कि 5 साल बाद में, भगवान ना करे ऐसा हो कि वी आर नो मोर, एंड हमारी ऑबिट्यूरी कैसी होनी चाहिए, एंड इफ यू पुट डाउन द पॉइंट्स यू विल फाइंड योर रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव, द रियल थिंग्स दैट यू वांट टू डू इन लाइफ। एंड आई होप दिस बुक विल रीच आउट, इट्स मेड रिटन फॉर द मासेस, ये सब जेंडर्स के लिए, सब एजेस के लिए है, इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा हाउसवाइफ्स, बच्चे, प्रोफेशनल सबके लिए है। आई होप और सब कंसेप्ट सबको अप्लाई हो सकते हैं। हाँ, देखने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन फाइनली द ट्रूथ इज द सेम। सो आई होप ऑल ऑफ एवरीवन एंजॉयज दिस बुक, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू रिव्यूज। वी आर देयर ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर, यू कैन राइट टू मी ऑल्सो बाई ईमेल। बहुत सुंदर संजय जी, आपने अपनी बुक के बारे में बताया, और हमें भी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से आपने इस बुक की सोच के साथ इसको लिखा है। मैं यहाँ पर एक जानना चाहूँगा कि आपको इस बुक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आप इतने बिजी रहते हैं, इतना बड़ा बिजनेस आप चलाते हैं, TT जैसी कंपनी को आप मतलब लोगों तक पहुँचाते हैं, इसके बावजूद इतना समय निकाल के आपने इस बुक को लिखा, और ये प्रेरणा कहाँ से मिली, और कैसे ये कर पाए आप, कैसे संभव हुआ? आई ऑलवेज बिलीव करता हूँ वी आर नॉट बिजी, वी हैव वर्क, काम है हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं है हम बिजी हैं। और जब कुछ करना चाहते हो तो समय निकल जाता है। और अगर आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी, मैंने ये किताब कहाँ से टाइम निकाला। सही बात है, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, पर मैंने ये पूरी किताब पुस्तक फ्लाइट में लिखी, पूरी की पूरी, एक एक चैप्टर, 2 फ्लाइट में 1 चैप्टर कंप्लीट करता था। और फ्लाइट में ना तो फ़ोन डिस्टर्ब करता है, ना और कोई आपको डिस्टर्ब करता है, सबसे एकदम शांत वातावरण रहता है, आप आराम से सोच कर लिख सकते हो। एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड इट, 1 साल लगा मुझे। आई ट्रैवल अ लॉट, जैसे इन्होंने आपने ठीक कहा, बींग MD ऑफ अ लार्ज कंपनी, और प्लस मैं बहुत सारे टेक्सटाइल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, आई वॉज चेयरिंग द नेशनल लेवल एसोसिएशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी, तो ट्रैवलिंग बहुत रहती है बिजनेस के कारण, प्रोफेशनली, सोशली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उसके दैट गिव मी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर राइटिंग दिस बुक। प्रॉब्ली अगर मैं नहीं ट्रैवल करता तो शायद ये किताब अभी 1-2 साल और लग जाती। थैंक यू संजय जी, फोकस न्यूज़ को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।